रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे के तरफ से 3115 अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊं तो 24/9/2024 से लेकर 23/10/2024 तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसकी जो ऑफिशियल PDF की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा। जब आप इस PDF को रीड करेंगे तो यहाँ पर डेट, जो ओपनिंग डेट है और जो क्लोजिंग डेट है वो दी गई है। इसी तरह से आप और भी सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, किस किस डिवीज़न में कितनी कितनी सीटें हैं, सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में दी गई है। आपने अगर 10th करके रखी है, साथ ही साथ ITI करके रखी है, तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने को लेकर। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की एक अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के बारे में बताई थी और फॉर्म फिल करके भी बताई थी। उसमें 5000 से प्लस पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई थी, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। और आप अगर एलिजिबल होंगे तो आप उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईस्टर्न रेलवे के तरफ से जो ये 3000 प्लस पोस्ट अप्रेंटिसशिप के लिए रिक्रूटमेंट आई है, आप उसके लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दी है, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो आपको न्यू रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने में इस तरह से इंस्ट्रक्शन ओपन होगी, अब आपको रीड करनी है। फिर यहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड फ्यूचर के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपके सामने में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की पेज ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने जिस भी ट्रेड में ITI करके रखी है उसे आप यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, देन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछी जाएगी। कैंडिडेट नेम आप अपनी नाम यहाँ पर इंटर करेंगे, जो भी नाम आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर होगी वही नाम आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फादर्स नेम इंटर करेंगे, मदर्स नेम इंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे अपनी। आगे एज की बात करूँ तो जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस भी कैंडिडेट का मिनिमम एज 15 साल है और मैक्सिमम एज 24 साल है वो इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप अगर SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी, और अगर आप OBC से आते हैं तो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। वहीं PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दी जाएगी। तो फॉर्म में आने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है, फिर अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको यहां से चूज कर लेनी है। फिर आपसे यहां पर पूछी जा रही है क्या आप विकलांग है या फिर नहीं है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर लेनी है। फिर यहाँ से आपकी जेंडर पूछी जाएगी, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, रिलीजियंस पूछी जाएगी, तो आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियंस उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड के नंबर को इंटर करेंगे, ये काफ़ी कंपलसरी है कि आप अपने आधार कार्ड के नंबर को अच्छे से यहां पर इंटर करेंगे। देन आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, फिर आपसे यहां पर पूछी जा रही है आर यू अवार्डेड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहां पर सेलेक्ट करने के बाद आपको काफी सारी ऑप्शन दिखाई दे रही होगी। आप इसमें से किसी से अवार्डेड है तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहां पर नन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपनी ईमेल ID इंटर करेंगे, ईमेल ID और मोबाइल नंबर आप जो यूज करते होंगे वही इंटर करेंगे, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको सेंड की जाएगी ये इसी ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर आपको सेंड की जाएगी जो आप यहां पर इंटर करेंगे। तो मोबाइल नंबर और ईमेल ID आप अच्छे से इंटर करेंगे। ईमेल ID इंटर करने के बाद उसी ईमेल को आपको यहां कंफर्म कर लेनी है, फिर मोबाइल नंबर इंटर करनी है, मोबाइल नंबर कंफर्म कर लेनी है। यहां मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कॉल कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम आपकी जो ये फॉर्म है उसे फिल कर आपको दे देगी। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहां मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपको फॉर्म फिल करवानी हो तभी आप इस नंबर पर कॉल करेंगे। अगर आपकी कोई भी जर्नल डाउट या फिर आपको कुछ चीज पूछनी हो तो आप वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। फिर यहां पर नीचे आनी है, अब आपकी एड्रेस पूछी जा रही है, तो लाइन 1 में अपनी एड्रेस इंटर करनी है, फिर लोकेलिटी
यहाँ पर लाइन टू में आपको इंटर कर देनी है। आपकी सिटी टाउन या विलेज से आते हैं उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। अपनी स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है, आप किस स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं या फिर आपकी स्टेट क्या है। उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज कर लेनी है, फिर पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको चूज करनी है, पिन कोड आपको इंटर कर देनी है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर अगर आपकी ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करने के बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देनी है, और अगर आपकी दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप मैनुअली दोनों एड्रेस को यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, फिर क्लास 8 की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। फिर क्लास 10th की आपकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पूछी गई है। सबसे पहले मैट्रिक की आपको रोल नंबर इंटर करनी है, किस बोर्ड से थे उस बोर्ड को यहाँ पर आपको चूज करनी है। फिर आपकी मार्कशीट की ऑप्टेंट नंबर यहाँ पर पूछी जाएगी, यानी कि आपको कितनी नंबर 10th में आई थी उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है, टोटल कितने नंबर की एग्जामिनेशन थी उसे यहाँ पर इंटर करनी है, फिर टोटल परसेंटेज कितनी आपको आई है 10th में उसे यहाँ पर इंटर करनी है, फिर आपने किस साल 10th के एग्जामिनेशन को पास किया उसे यहाँ पर आपको इंटर करनी है, फिर अपनी ITI की इन्फॉर्मेशन आपको उसी तरह से यहाँ पर इंटर कर लेनी है, ITI की सर्टिफिकेट नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, आपने ITI कब पास किया, मार्कशीट में ऑप्टेंट आपकी कितनी नंबर है, टोटल कितने नंबर्स की आपकी ITI की एग्जाम हुई थी, टोटल परसेंटेज कितनी है, सारी यहाँ पर इंटर करनी है। फिर नीचे आनी है, इस बॉक्स के ऊपर आपको टिक करनी है, फिर आपको एक नया पासवर्ड यहाँ पर बनानी है अपनी। पासवर्ड में नंबर, स्पेशल कैरेक्टर या फिर कोई भी डिजिट आप सारी की मिक्स कर एक पासवर्ड बना लेंगे, उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको कन्फर्म करनी है। फिर आपको यहाँ कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, कैप्चा को फिल करनी है, फिर क्लिक टू कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। आगे क्लिक टू कंटिन्यू करने के बाद अब आपके सामने में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की समरी इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को यहाँ पर चेक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर दी है सारी सही है। अगर आपको लगती है कोई डिटेल्स आपने गलत इंटर कर दी है तो आपको एडिट डाटा के ऑप्शन पर क्लिक कर एडिट कर लेनी है, क्योंकि अगर आपने एक बार इस पर अपनी कोई भी डिटेल्स गलत इंटर कर दी तो आप दोबारा उसे चेंज नहीं कर पाएंगे और आपकी जो ये फॉर्म है उसे रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो अपने सारे डिटेल्स को आप सही से फिल करें, और अगर आप इस फॉर्म को अपने से नहीं फिल कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कॉल कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और आपकी जो फॉर्म की फी होगी वो आपको अलग से पे करनी होगी। तो चलिए, मैंने यहाँ पर अपने सारे डाटा को डेमो के तौर पर लिया है, तो मैं सबसे ऊपर वाले पे टिक करूंगा, फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा एंड ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब आपके सामने में यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और कंग्रेचुलेशन का एक पॉपअप भी आपके सामने में शो हो जाएगा। देन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर भी आपको सेंड कर दी जाएगी, या फिर आप चाहे तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं नोट डाउन कर रख लें। फिर आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। यहाँ क्लिक करते ही अब आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर इंटर करनी है, पासवर्ड जो आपने बनाई थी उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको इंटर कर लेनी है, ये कैप्चा आपको दिखाई दे रही होगी उस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है, फिर लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। अब लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर फिल यूनिट प्रेफरेंस के ऑप्शन पर क्लिक करनी है, फिर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आपको डिवीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पर हावड़ा पहले चूज करूंगा, फिर आसनसोल, इसी तरह से आपको यहाँ पर सारे प्रेफरेंस को चूज कर लेनी है। आप चाहे तो एक प्रेफरेंस को चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप सारे प्रेफरेंस को यहाँ पर चूज करेंगे, फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आपकी जो फोटोग्राफ्स होगी उसे आपको यहाँ पर सबसे पहले अपलोड करनी होगी, फिर आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करनी होगी, देन आपकी लेफ्ट थंब की इंप्रेशन को आपको यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। तो चलिए मैं तीनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करता हूँ, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब की इंप्रेशन को अपलोड कर दिया। अब आपको यहाँ से स्क्रॉल कर नीचे आनी है, फिर 8th क्लास की मार्कशीट आप चाहे तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट आप चाहे तो यहाँ पर 8th क्लास की सारी डिटेल्स को छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, ये कंपलसरी है, आपको अपलोड करनी ही होगी। फिर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है, एज प्रूफ के लिए आप यहाँ पर अपनी 10th की मार्कशीट को ही अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी ITI की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, ITI की सर्टिफिकेट आपको नीचे अपलोड करनी है। फिर आप अगर SC ST या फिर OBC से बिलोंग करते होंगे तो आपको अपनी कम्युनिटी सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करनी है, यानी जाति प्रमाण पत्र जो होता है उसे आपको यहां पर अपलोड करनी होगी। सारी ऑप्शंस को अपलोड करने के बाद यहां पर अपलोडेड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब आपको यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करनी है, फिर ओके कर देनी है। ओके करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाएगी और इस तरह की पॉपअप आ जाएगी। आप अगर जर्नल OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी, और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट या फिर किसी भी कैटेगरी के वुमेंस कैंडिडेट है तो आपके लिए यह फॉर्म फ्री है, आपको 1 रुपये की पेमेंट नहीं करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। इसके बाद आपके सामने में इस तरह की एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी। आपको नीचे जानी है एंड प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको इस एप्लीकेशन की प्रिंट आउट निकाल कर रख लेनी है। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे के तरफ से जो ये 3115 अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है इस पर ऑनलाइन करना आसानी से सीख चुके होंगे। और अगर आपको कोई भी जर्नल डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से ही कर दूंगा। और अगर आपको ये फॉर्म हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर से ही शेयर कर दें।